दोस्तों 15 फरवरी से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच को लेकर टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जहां पर उन्होंने इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम में तीन बड़े बदलाव कर दिए। जहां पर चोट के बाद दोबारा से वापसी कर रहे इस महामुकाबले में के राहुल, रविंद्र जडेजा तथा सरफराज खान की वापसी करा दी है, जिसको देखते ही अब टीम इंडिया की तीसरे टेस्ट महामुकाबले में जीत और भी सुनिश्चित हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताएगी इन दोनों टीमों के बीच तीसरे टेस्ट मैच का आगाज कब से होने जा रहा है और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच के लिए भारत के किन 11 खिलाड़ियों को मौका दिया है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी भारतीय टीम ने जिस प्रकार से दूसरे टेस्ट महामुकाबले में जीत दर्ज की है, उससे सभी खिलाड़ियों का मनोबल हाई हो चुका है और टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इसी को देखते हुए अब तीसरे टेस्ट महामुकाबले में कोई भी रिस्क नहीं लिया और भारतीय टीम में अब तीन भूखे शेरों की वापसी करा दी है, जिससे अब टीम इंडिया की इस महामुकाबले में जीत और भी सुनिश्चित हो चुकी है। तो भाई इन दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट महामुकाबला जो कि 15 फरवरी से सुबह 9:30 बजे से राजकोट में खेला जाने वाला है, इसके लिए इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, इसलिए इन दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट महामुकाबला काफ़ी कड़ा और रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज काफ़ी रोमांचक भरी हो चुकी है, जहां पर इन दोनों टीमों ने अभी तक दो टेस्ट महामुकाबले खेल लिए हैं जिसमें एक एक मैच जीत लिया, इसलिए हर हाल में टीम इंडिया के लिए तीसरा टेस्ट महामुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त लेनी होगी। लेकिन जिस प्रकार से इंग्लैंड की टीम के पास बल्लेबाज और गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए लग रहा है कि तीसरा टेस्ट महामुकाबला रोहित एंड कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। तो वहीं रोहित शर्मा ने इस महामुकाबले को जीतने के लिए इन 11 प्लेयरों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला कर लिया है, जहां पर इस महामुकाबले के हम टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के काफी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं और हाल ही में इन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन ही किया है। हालांकि टीम के कप्तान रोहित शर्मा अभी तक इस टेस्ट सीरीज में बल्ले से कोई भी खास प्रदर्शन नहीं कर सके, इसलिए उनसे उम्मीद होगी कि वह तीसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो भाई यशस्वी जायसवाल लगातार इस टेस्ट सीरीज में बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो भाई तीन नंबर के लिए इस महामुकाबले एक बार फिर से सुमन गिल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सुमन गिल ने दूसरा टेस्ट महामुकाबला जिताने में भारतीय टीम के लिए अहम योगदान निभाया था, जहाँ पर उन्होंने दूसरी पारी में शतकीय पारी खेली और टीम इंडिया के लिए शानदार जीत दिलाई थी। तो वहीं चार नंबर के लिए टीम इंडिया में एक और भारतीय टीम में डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं सरफराज खान, क्योंकि सरफराज खान ने हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें विराट कोहली की गैर मौजूदगी अब भारतीय टीम में डेब्यू करने का सुनहरा अवसर होने वाला है। तो वहीं पांचवें खिलाड़ी के रूप में टीम में केएल राहुल की दोबारा से वापसी होने जा रही है, जिससे अब टीम इंडिया के लिए और भी मजबूती होने वाली है, क्योंकि केएल राहुल की भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट महामुकाबले में कमी बेहद ही खली थी। तो वहीं छह नंबर के लिए टीम इंडिया में अब ध्रुव जुरेल भारतीय टीम में विकेट कीपर के रूप में डेब्यू करने वाले हैं, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। उनसे पहले केएस भरत को लगातार मौके दिए गए, लेकिन वह पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। तो वही सात और आठ नंबर के लिए टीम इंडिया में दो ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के काफी खतरनाक ऑलराउंडर माने जाते हैं। उन दोनों ही ने लगातार इस टेस्ट सीरीज में अपनी बल्ले तथा गेंदबाजी से बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं नौवे खिलाड़ी के रूप में टीम में रविचंद्र अश्विन जैसे धाकड़ गेंदबाज मौजूद है, जो लगातार इस टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी से बेहद ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं 10 और 11 नंबर के लिए टीम के पास दो तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के काफी खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। भाई भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इन्हीं 11 प्लेयरों के साथ इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं।